खबर शामिल करते हैं सियालकोट से मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक। सियालकोट पुलिस का खूनी खेल पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन, 40 पतंगें बरामद करके मुलजमान के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक थाना निकापुरा पुलिस टीम ने दौरान गश्त पतंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुलजमान मुजाहिद हुसैन उर्फ हमजा और माजिद हुसैन के कब्जे से 4000 पतंगें और 900 चरखियाँ डोरें बरामद कें। मुलजमान के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके हवालात जुडिशनल भिजवा दिया गया। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल का कहना है कि कातल डोर फिरने से मुतादद कीमती इंसानी जानें ज़िया हो चुकी हैं। पतंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मकसद कीमती इंसानी जानों के ज़िया को रोकना है। क्रैकडाउन में शामिल पुलिस अफसरान व नौजवानों को तारीफी सर्टिफिकेट और नगद इनाम देने का ऐलान किया है।